11 बजे मेरी डेंटिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट है, लेकिन पता नहीं यार वहाँ कितनी देर लगेगी। मैं ना थोड़ा लंच का प्रिपरेशन करके ही जाती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे काउंटर टॉप पे मैस देख के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ना, वहाँ पता नहीं कितनी देर लगेगी। थोड़ा लंच की प्रिपरेशन करके जाती हूँ, लेकिन मेरा सब ना मुझे या क्या सीजर्स, मेरी शॉपिंग बोर्ड का है, लेकिन को पड़ा है यहाँ पे। मैं चॉपिंग बोर्ड कहाँ ले, मेरी भगवान चॉपिंग बोर्ड है कहाँ ले, यहाँ अरे टाइम 11:30 बज गए, मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो गया। हे भगवान, ओ माय गॉड, कोई तो सॉल्यूशन दे दे यार मुझे इस प्रॉब्लम की। हेलो, क्या है? हेलो, अरे भाई क्या है, तुम्हारे प्रॉब्लम की सलूशन। क्या आपके भी यही प्रॉब्लम है? क्या आप भी इसके ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। हेलो, दिस इज रेशमा, नमस्ते एंड वेलकम टू सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इन आवर डे टू डे लाइफ। माई डियर फ्रेंड्स, मैं खड़ी हूँ मेरे इस प्यारे से ब्यूटीफुल किचन में, विच इज दी हार्ट ऑफ माई होम, जहाँ पर मैं प्यार से खाना बनाती हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी अपने किचन में बड़े प्यार से खाना बनाते होंगे अपने परिवार के लिए, और आपके लिए भी किचन विल बी दी हार्ट ऑफ योर होम। एम आई राइट? इफ येस, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए, किचन में तो हम बड़े प्यार से खाना तो बनाते हैं, लेकिन क्या हम उतना ही प्यार अपने किचन से करते हैं? क्या हम अपने किचन को पैम्पर करते हैं? क्या हम अपने किचन की केयर लेते हैं? मेरा मतलब है कि क्या हम अपने किचन को साफ सुथरा एंड वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, और अगर नहीं तो सोचिए क्या किया जाए। हाँ हाँ, सोचिए सोचिए क्या किया जाए। ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज, जहाँ पर मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी हम अपने किचन को साफ सुथरा एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख सकते हैं एक क्रिएटिव तरीके से, और ये सब करने में आपको मजा भी आ जाए। और कौन सा भी काम अब जब एंजॉय करके करते हो ना, तो इसका रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग होता है। और सोचिए, जब आप खाना एक नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में बनाते हो, तब आपका मूड भी कितना शांत और खुश रहता है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट हम जो खाना पकाते हैं उसके ऊपर होता है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा मन वैसा अन्न।
तो इसीलिए अपने किचन को नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है। आपका किचन कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, दिस डजंट मैटर, आप उसको कितना नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, दिस मैटर्स। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डिफरेंट वेज, आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अप्लाई करती हूँ मेरे किचन को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए, एंड विच इज गिविंग मी फिनोमिनल रिजल्ट्स। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको भी हेल्प करेंगे अपने किचन को नीट क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको मेरे किचन का ओवरव्यू दिखाती हूँ। आई हैव डिवाइडेड माई किचन इंटू 5 एरियाज, तो चलिए देखते हैं। This is my countertop and cabinet area, which is L-shaped with sink area attached to it. Next area is dining area, which is attached to our kitchen area. Next is wash basin area. इसके next आती है refrigerator area. And next to refrigerator is water storage and fruit corner area. तो इस हर एक area को हम कैसे बेहतरीन तरीके से organize कर सकते हैं in a very simple yet creative manner, ये मैं आपसे share करने वाली हूँ इस kitchen organization series में. And you can relate this with your kitchen. Even though your kitchen is not exactly similar to my kitchen, the tips and ideas that I am going to share will be helpful to you and which you can apply by organizing your kitchen. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किचन की सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जहां पर हम खाना पकाते हैं, और वो है काउंटरटॉप एरिया। और मैं आपको बताऊंगी इस काउंटरटॉप एरिया को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन ए वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर किस बात की। काउंटरटॉप स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेप नंबर 1, एम्प्टी द काउंटरटॉप स्पेस। सबसे पहले आपको अपने काउंटरटॉप स्पेस को खाली करना होगा। रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द काउंटरटॉप स्पेस एंड मेक इट टोटली एम्प्टी। स्टेप नंबर 2, क्लीन द काउंटरटॉप स्पेस। अपने काउंटरटॉप स्पेस को थरली क्लीन कीजिए विद अ सोप सॉल्यूशन और एनी सरफेस क्लीनर। स्टेप नंबर 3, विजुअलाइज द काउंटरटॉप स्पेस। इस स्टेप में आप विजुअलाइज कीजिए आपको क्या क्या चीजें काउंटरटॉप पे रखनी है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं व्हाइल कुकिंग एंड विच यू वांट देम टू बी हैंडी एंड एक्सेसिबल। सो विजुअलाइज हाउ यू वांट योर काउंटरटॉप स्पेस टू लुक लाइक। हैव ए क्लियर पिक्चर इन योर माइंड सो दैट द नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरी इजी फॉर यू। स्टेप नंबर 4, मेक लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द काउंटरटॉप स्पेस। इस स्टेप में एक पेन और पेपर लीजिए और जो भी आइटम्स आपने विजुअलाइज किए हैं अपने दिमाग में उनकी एक लिस्ट बनाइए। राइट इट डाउन ऑन पेपर। देखिए इस तरह से मैंने मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रिपेयर की है विजुअलाइजिंग मुझे मेरे काउंटर टॉप पे क्या क्या चीज़ें चाहिए अकॉर्डिंग टू माई नीड। और मैंने इन सारे आइटम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, फूड, इलेक्ट्रिक, मिसलेनियस एंड सिंक एरिया, सिंस सिंक इज अटैच टू द काउंटर टॉप। अंडर फूड आइटम्स आई हैव लिस्टेड सॉल्ट, कुकिंग ऑयल्स, घी, पेपर एंड गार्लिक। अंडर इलेक्ट्रिक आइटम्स आई हैव लिस्टेड माइक्रोवेव अवन, मिक्सर ग्राइंडर, कैटल एंड हैंड ब्लेंडर। अंडर मिसलेनियस आइटम्स आई हैव लिस्टेड नाइव्स, पीलर, ग्रेटर, विस्कर, सीजर्स, मेजरिंग स्पून्स, तड़का कढ़ाई, हैंड ग्लव्स, बास्केट, पेपर टॉवल, वाटर कंटेनर, गैस लाइटर, पेस्टल एंड मोटर, चॉपिंग बोर्ड एंड क्लॉथ टू वाइप यूटेंसिल्स। अंडर सिंक एरिया आई हैव लिस्टेड वाइप्स, स्क्रबर, ब्रशेस, डिश वॉश लिक्विड,
हैंड वॉश लिक्विड, डिश वॉश सोप, स्टील बास्केट एंड क्लॉथ टू वाइप हैंड्स। आप भी इसी तरह अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन असाइन ऑर्गेनाइजर्स एंड अलॉट ए पर्टिकुलर स्पेस टू दीज आइटम्स ऑन द काउंटरटॉप। तो ये है चार इनिशियल स्टेप्स ऑफ काउंटरटॉप ऑर्गेनाइजेशन। इन नेक्स्ट एपिसोड आप जानेंगे फिफ्थ स्टेप, विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली गिव बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे एनर्जाइज्ड।